हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी लॉ 5 ईयर्स एस्पिरेंट्स। गाइस आपके कैप राउंड को लेकर एक और एक अपडेट आ चुकी है कि कैप राउंड 2 को लेकर एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करना है, यहाँ पर लॉ 5 ईयर्स पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नोटिस नंबर 2 कैप राउंड 2, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा फॉर लॉ 5 ईयर्स एंड BA BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स। सो यहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। Colleges are requested not to verify the details filled in CET application form as it was only for CET examination. In addition, college should not force the candidate to submit the hall ticket of CET examination. College has to verify the details filled in CAP application only. Candidates admitted in round 1 and round 2 will have to submit and upload the original CVC, TVC, NCL and EWS certificate up to the last date of admission of round 3. So, jitne bhi students round 1 एंड राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो चुका है जिनको, उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स राउंड 3 के लास्ट डेट तक सबमिट करने हैं। SCVC कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड रिसिप्ट ऑफ CVC विल हैव टू सबमिट ओरिजिनल CVC विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग कैप एप्लीकेशन फॉर्म। तो SCVC को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो ये डाउट उनका क्लियर हो चुका है। जिन्होंने भी CVC की रिसिप्ट अपलोड की थी तो उनको ओरिजिनल CVC के डॉक्यूमेंट्स 6 मंथ्स में सब अपलोड करने हैं। जिस दिन आपने कैप का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस दिन से लेकर 6 महीने के बीच में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबमिशन ऑफ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज़ ओनली फॉर SEBC कैंडिडेट्स। दिस ड्यू पीरियड इज़ नॉट वैलिड फॉर एनी अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स हु हैव मेड मिस्टेक्स इन फिलिंग द फॉर्म ऑफ SSC एंड HSC and have been rejected by the college can edit their CAP application form for round 3 between 11th August to 13th of August. तो आप कर सकते हो ये एंड फिल द न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर राउंड 3। ICSE और CBSE बोर्ड SSC पास कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड 6 or 5 सब्जेक्ट मार्क्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। कॉलेज शुड नॉट रिजेक्ट द एडमिशन ऑफ सच कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 2। अब देख लेते हैं कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल कॉलेज एक्स दिया था बट आपको ये अलॉट नहीं हुआ है, आपको अलॉट हुआ है कॉलेज वाई, एंड हैव रिजेक्टेड द एडमिशन और रिफ्यूज द एडमिशन और नॉट रिपोर्टेड टू द कॉलेज और नॉट ऑप्टेड फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। तो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव ईदर पेड और नॉट पेड वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000 एंड ऑप्टेड फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन बट हैव नॉट रिपोर्टेड टू कॉलेज फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं जिन्होंने ₹1000 पे भी किया है या फिर नहीं भी पे किया है। अब देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं राउंड 2 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलोकेटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड हैव बीन एडमिटेड इन द कॉलेज थ्रू कॉलेज लॉग इन एंड पेड द कॉलेज फीस विल नॉट बी कंसिडर फॉर एलोकेशन इन राउंड 2। तो यानी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो था कॉलेज एक्स था, आपको कॉलेज एक्स ही अलॉट हुआ है, आपने फीस पे कर दी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे वेरीफाइड हो गए हैं, तो आप राउंड टू में पार्ट नहीं ले सकते। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस एज पर द प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट एंड फ्रीज द अलॉटेड सीट बाय पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000। तो ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है राउंड 2 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस एज वेल एज अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड हैव बीन रिजेक्टेड बाय द एडमिटिंग कॉलेज ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट और मिसमैच इन डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर नॉट एलिजिबल फॉर एलोकेशन इन राउंड 2। सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हो चुका था, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस ये भी अलॉट हो चुका था, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए तो गए थे बट कॉलेज से रिजेक्टेड हो गए क्योंकि उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स राउंड 2 से तो बाहर हो चुके हैं बट वो एलिजिबल है राउंड 3 के लिए। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक एलोकेशन फॉर राउंड 2। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 एंड हैव ऑप्टेड बेटरमेंट ऑप्शन एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000
Once upward preference is allotted to such candidates as per the college option preference filled prior to round 1, his earlier seat shall stand automatically cancelled due to application of logic of dynamic allocation. तो यानी आपको other than first preference college allot हो चुका था और आपने betterment के लिए opt किया हुआ है, तो जो इस college की seat थी वो automatically cancel हो जाएगी. If the candidate is not allotted seat in round 2, then the seat already allotted in the round 1, as the case may be, shall be retained automatically, but the candidate will have to report to admitting college or institution for the confirmation of round 2. तो अगर आपको समझो round 2 में कोई भी seat allocate नहीं हुई, तो आपको जो round 1 में seat allocate हुई थी, वो आपकी final seat हो जाएगी, but इसके लिए आपको college में जाके confirmation देनी पड़ेगी. If the candidate does not report to college in specific period, his seat will stand forfeited automatically. अगर आपने report नहीं किया college में, तो ये हमेशा के लिए cancel हो जाएगी आपकी seat. फिर अब बात करते हैं caste validity certificate, tribe validity certificate, non-creamy layer certificate, economically weaker section certificate. Candidates admitted in round 1 and round 2 will have to submit and upload the original CVC, TVC, NCL and EWS certificate until the last date of admission of round 3. तो ये हमने पहले देख लिया था ऊपर ही, तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम. तो इन बाकी सारी डिटेल्स को आप गो थ्रू कर सकते हो और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. सो यस गाइस, ये था क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड. ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना. कैप को लेकर काफ़ी सारे अपडेट्स आने वाले हैं, तो आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो. और कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. सो दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.